आपको बता दें मेरठ करनाल हाईवे स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज का है, जहां पर बीती रात चोरों ने कॉलेज से लाखों रुपए के सामान, जनरेटर, इन्वर्टर, दो बड़े बैटरी, स्कूल के जरूरी कागजात चोरी कर फरार हो गए। इस तरह की घटना के बाद कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर चोर उचक्कों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि इन्होंने विद्या के मंदिर को भी नहीं बख्शा है। हालांकि चोरी की पूरी वारदात कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कॉलेज के प्रिंसिपल जयकरण अंसल ने बताया कि सुबह 7 बजे कॉलेज में पहुंचे तो वहां का नजारा कुछ और ही बयां कर रहा था, और मेन गेट का ताला टूटा हुआ है और कमरों के अंदर से जनरेटर, इन्वर्टर, बैटरी, रजिस्टर आदि कीमती सामान चोरी हो चुका था, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद अहमदगढ़ चौकी प्रभारी धर्मेंद्र यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयकरण अंसल। सर यार चोरी का मामला सामने आया, सर क्या है पूरा मामला? ये जो है ना, कल रात जो है ना 15 तारीख की रात को जो है विद्यालय में चोरी होगी, अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी करने के, और इसमें जो है ना लगभग 2 लाख रुपए का सामान चला गया, जनरेटर, इन्वर्टर, बैटरी और कुछ अन्य कीमती कागजात, विद्यालय के एहसास रजिस्टर और अन्य सामान। इसकी सूचना सर आपने पुलिस को दी? हाँ, सुबह आते ही जैसे मैं विद्यालय आया तत्काल जो है चौकी पर इसकी सूचना दे दी गई। तकरीबन कितने लाख का सामान होगा सर? लगभग 2.25 लाख के करीब। पहले भी कोई ऐसी घटना सामने आई है? पहले छुटपुट घटना होती रही। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।